हेलो एवरीवन, राधे राधे। सो टुडे इज़ आवर फर्स्ट डे इन इंडिया इन देहरादून। सो जिनको नहीं पता है, मैं बता दूँ कि हमारा घर देहरादून है, जो मेरा ससुराल है वो देहरादून में है। सो आज मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने व्लॉग की सुबह 9 बजे से, और अभी हमारा कुछ काम नहीं है क्योंकि आपको पता है बच्चों के साथ, और बच्चे बहुत थोड़ा परेशान हो गए थे क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैवल हो गया था अबू धाबी से दिल्ली, दिल्ली टू देहरादून। सो कल मेरी बेटी की तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो गई थी, उसको फीवर हो गया था, अभी तो ठीक है। तो अभी उठे हैं बच्चे मेरे, अभी हमने नाश्ता वगैरह भी कुछ नहीं किया है। सो मैं पहले व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी हूँ, तब फिर नाश्ता वगैरह फिर धीरे धीरे बनाएंगे, और बाकी मेंबर से भी आपको मिलाएंगे। मेरी मौसी आई हुई हैं, यहाँ पे कोई था नहीं क्योंकि मम्मी पापा हमारे साथ ही रहते थे अबू धाबी में। सो मौसी और मेरी मौसी का बेटा वो इधर आए थे, उन्होंने कल डेकोरेशन सब किया था, आपने अगर व्लॉग में देखा होगा तो। सो वो नीचे बैठे हुए हैं, और अभी मैं आई हूँ अपने घर के टेरेस में, और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। उत्तराखंड आपको पता है, जिनको पता होगा कि इतना सुंदर है, और हमारे घर से दिखता है मसूरी। जिनको भी अगर मसूरी घूमना हो हमारे घर आ सकते हैं, मैं आपको यहाँ से मसूरी दिखा सकती हूँ। और जो ये सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है बड़ी सी, ये है स्कूल। जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमें टेंशन नहीं है कि हमें कहाँ भेजना है, सामने ही स्कूल है। यहाँ पर भी एक नया घर बन रहा है, और इधर भी घर है, चारों तरफ घर है। जब मेरी शादी हुई थी स्टार्टिंग में तो ये वाला घर भी नहीं था उस टाइम पे, और जो हमारे घर के जस्ट पीछे वाला आप कैमरे में देख रहे होंगे वाइट वाला, ये घर भी नहीं था। अभी तो इतने सारे घर यहाँ पे बन चुके हैं, और मेरा बेटा नीचे अपनी बुआ के साथ घूम रहा है। और यहाँ पे है मेरी मौसी जी और हर्षू। मौसी जी घुमाएंगी बानी को। बानी देख, बानी उधर, बानी धूप लग रही है इसकी आंखों में। बानी धूप नहीं देख पा रही भाई, आज तक धूप से खेलती थी बस ये। क्योंकि वहाँ हम लोग आपको पता है मंदिर ही अंदर रहते थे, जब शाम को गए भी तो शाम को जाते तब तक धूप चली जाती थी, यहाँ तो सुबह से ही धूप देखेंगे। और अंदर जाएंगे तो हमारा घर पूरा बिखरा हुआ है क्योंकि इतने सारे बैग थे, अभी हमने कुछ भी सेटिंग नहीं किया, सो ऐसे पड़ा हुआ है। ये है मेरे पति देव, ये है मेरी मम्मी, और आज हम नाश्ते में बनाएंगे मैगी मैक्रोनी। अभी घर से खाना थोड़ा अवॉइड करो, घर की हालत ठीक नहीं है, बहुत खराब है। ये बर्तन भी ऐसे पड़े हैं क्योंकि हमारे जो है हाउस हेल्पर है वो अभी आएगी तो वो क्लीन करेगी, तब हमने नहीं किया। सो अभी अब मैं जा रहा हूँ मार्केट, आज पहली बार देहरादून में इस वेकेशन की मार्केट, और आज है मेरा सारथी कांचा छीना। जलवा है हमारा, और पीछे बैठी मेरी मौसी है, मेरी माँ। तो लेट्स गो मार्केट, और आज पता चलेगा मुझे महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। मैं ना अपनी माँ के साथ इसीलिए शॉपिंग करने नहीं जाता हूँ। 4000 की अलमारी, मेरी माँ बोल रही थी 1500 में मिलेगी, 1500 में मिलेगी, जा पूछ क्या, 1600 में मिलेगी। देखो बार्गेनिंग करने की भी हालत होती है भाई, इज्जत ही मतलब खत्म। वो भी सोचता होगा, शॉपकीपर भी सोचता है कि कहाँ बेचूं, क्या करूं मैं, मतलब क्यों मैंने दुकान खोल दी, वो पछताता होगा। वो क्या बोलूं, आ बोलूं, क्या बोलूं, मतलब मन में तो उसको आए रहे होंगे शुद्ध विचार, लेकिन बोल नहीं सकता ना वो। बोलती है पहले भी यहीं से ले रही हूँ, कैसे नहीं दोगे। और हर बार का हर दुकान से, पहली बार भी किसी दुकान, अभी दुकान खोली है फिर भी, अभी तो तुमसे लिया मैंने फिर भी। अभी मैंने एक बाथटब लिया बच्चों के लिए, और मेरी माँ को अभी इसका रेट पता नहीं है। मम्मी कितने तक का होगा इंडिया में? इंडिया में 500 तक का। 500 तक का, इंडिया के हिसाब से 500 तक का। नहीं, मैं नहीं मानता। ठीक है, अभी मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ, ये कितने का है देख लिया आपने? अब मेरी माँ को जब पता चलेगा इसका एक्सप्रेशन कैसा होगा। बाबू पागल से क्या, पागल से क्या, पागल से क्या, दो तीन सौ का सप्लीमेंट करते हैं। देखा देखा एक्सप्रेशन, सब प्लांटी को 300 मिल जाएगा।
चलो कोई नहीं, मेरे बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बस मन बनाने के लिए बोलना। मैं क्या बोल रही हूँ, कैमरा बंद करते क्या बोला तुमने? मैंने बोला अच्छा है, बच्चों के लिए लेना चाहिए, अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये यूट्यूबर शैलजा जो घर पे चैन से भात खा रही है, क्योंकि उसका एक लाल चैन से सो रहा है और दूसरी फिरकी चले जा रही है, घूमे जा रही है, फिर मुंह में डाल रही थी और ये देखो यूट्यूबर। मेरा बेटा बहुत परेशान हो गया, सो अभी लंच करके मैं जा रही हूँ, बच्चों के कपड़े सुखाने मशीन में डाले थे, धुल गए हैं और टेरिस में सुखाएंगे। पहले तो जब तक आबू धाबी में थे हमारे पास आगे साइड बालकनी थी, वहाँ डालते थे, आज हम डालेंगे टेरिस में कपड़े। और मेरा बेटा बहुत परेशान हो रहा है, फर्स्ट थिंग वो बहुत छोटा है, अभी 9 मंथ के तो हैं वो, और फर्स्ट टाइम वो इंडिया में आए हैं। और उन्होंने मतलब हम आबू धाबी में थे तो हम अंदर ही रहते थे, ज़्यादातर अंदर रहते, जब भी जाते थे शाम के टाइम को भाग जाते थे। उन्होंने ना वहाँ इतने सारे पेड़ पौधे देखे, ना ये गाय भैंस, ना कुत्ते बिल्ली, ये कुछ नहीं देखा, मतलब पूरा इन्वायरमेंट ही चेंज हो चुका है उनका, सब कुछ चेंज हो गया, तो एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा उसको। अभी भी लग रहा है कि जैसे हम पकड़ रहे हैं तो बाहर की ओर जाने को कर रहा है, उसको लग रहा है कि अभी भी मुझे बाहर की ओर लेके जाएं, मतलब वहीं लेके जाएं, अबू धाबी लेके जाएं। मेरी बेटी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, वो तो आराम से एडजस्ट कर लिया उसने, पर बेटे को ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। एक तो कल उसको सफ़र में उसको फीवर भी आ गया था, आई डोंट नो क्या हुआ उसको, फीवर भी आ गया और फिर हमने पैरासिटामोल दिया। आज भी 2 टाइम आया उसको फीवर, PCM दिया है, अभी तो फिर दिन के टाइम से अभी तक आया नहीं है, आई होप कि ना आए। मुझे अच्छा लग रहा है इंडिया के, पूरा इंडिया के, दिल्ली वगैरह मुझे पसंद नहीं है, अपना उत्तराखंड मुझे बहुत पसंद है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, फ्रेश एयर है, वाह मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो घर पे नहीं रहने का ये एक नुकसान है, मुझे इतना दुख हो रहा है ना कमरे देख के, सच में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। पहले इसमें पूरी सब्जी लगी रहती थी और हम लोग कभी कभी टमाटर ये लोग खरीदते भी नहीं थे, इन्हीं गमलों से, और सुंदर सुंदर फूल लगे रहते थे। आज के दिन देखो ये गमलों की हालत क्या हो गई है, दुख हो रहा है मुझे देख के, और ये बात पे भी दुख हो रहा है कि घर छोड़ने के बाद ऐसा घर का हालत, और यू नो कि बनाओ उसके बाद ऐसे छोड़ दो तो कितना दुख है। तभी हमने कोशिश किया कि हम जल्दी से जल्दी इंडिया आ जाएं, और इतने सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं बच्चों के, डाल दिए हैं, अभी हमें बहुत कुछ काम है इस घर पे करने को, काम बहुत ज़्यादा है घर पे करने को, पर टाइम बहुत कम है हमारे पास। ऑलरेडी 2 दिन तो हो चुके हैं, मतलब कल हम पहुँचे थे, आज हमारा फर्स्ट डे है यहाँ, तो 2 दिन लगा लो, इतना सारा काम है, फिर दीपावली भी आ रही है, हमें अभी जो हमारा मेन घर है वहाँ भी जाना है, बनबसा भी जाना है, वहाँ कुछ फंक्शन है, फिर यहाँ आके यहाँ कुछ फंक्शन है, आई डोंट नो कैसे मैनेज होगा, बट वी विल सी। राइट वाइफ ऑलवेज राइट, जो भी कहा जो भी सुना, मैंने कुछ सुना तो नहीं, बट आपको कहना है यस राइट, यू आर राइट, सुना नहीं तो क्यों बोला फिर, हाँ ठीक है, यू आर राइट नहीं बोलना चाहिए था। राघव मत रो, राघव कल से रोने में ही है, जाने कितने आंसू आ गए इसके। हाँ वाले घर को और अपने कारपेट को, अपने ब्लू सोफा को, ये वही ढूंढ रहा है, मेरा ब्लू सोफा उधर चला गया। हाँ खिलौने भी तो आए हैं, कल पंखा देख के खुश हो रहा था ये, आज पंखा देख के रो रहा है ये, बानी देखो सो रही, कैसे सो रही है। ये देखो यूट्यूबर शैलजा के काम, राघव रो रहा है तो उसको चुप कराने के लिए यहाँ पे 2-in-1 काम चल रहा है, एक तो इसका वेट भी घट जाएगा थोड़ा, और दूसरा राघव भी चुप हो जाएगा, ये जॉगिंग चल रही है इसकी। ये हमारी बानू है, वो देखो राघव बाबा कैसे दौड़ रहे हैं।
ये है मेरा छोटा भाई, इसने जूते सुखाने को रखे हैं। मैं दिखाता हूँ जूते, ये जूते 4 महीने से सूख रहे हैं छत में, देखो। और बेचारे अब तो कह रहे हैं कि हम सूख गए हैं, अब तो ले जाओ, अब इनको कबाड़ी भी नहीं ले जाएगा। हाँ, ऐसे जूते सूखे हैं देखो, गोल्ड स्टार शूज है भाई, नेपाल का फेवरेट नंबर वन ब्रांड, और ये जूते सूख ही रहे हैं। अब पता नहीं ये सूख के सूखी गए हैं क्या हो गया पता नहीं। गोरा निकालना यार, दिखा तो से एक बार अपना कलर दिखा भाई, इस कलर के लिए मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे पता है इस कलर के लिए लोग तरसते हैं, और मेरे पास एंजल विंग्स भी है, पर मुझे थोड़ा गोरा चाहिए। अभी आप नहीं समझोगे, गोरी है वो, सुंदर भी देखो मेरी माँ कितनी गोरी हो गई, आई नहीं आई, मैं ब्यूटी बोन, दो दिन में ये सोचो कि माँ काली हो जाएगी। गौर से देखिए इस चेहरे को, जो कल तक अबू धाबी में हंसा करता था, आज देहरादून में परेशान है, खिलखिला रहा है, परेशान है, नहीं खिलखिला रहा है, परेशान तो ये है बेचारा, हेला बच्चा। मैं पहली बार आ रही हूँ। राघव फाइनली हंसते हुए, खुशी के आंसू नहीं आ रहे, खुशी की राल आ रही है उसके मुंह से, देखो कैसे लग रहा है आज के, खुशी की राल। और मेरे पास है मेरी बानू, वन एंड ओनली। पंकज को मैंने पहनाया है मंगलसूत्र। कल क्या हुआ था बताओ, मंगल सूत्र पहना है हमने आज, कल क्या हुआ था? कल ये खो गया था, हमें लगा अब तो चला ही गया, बट ये मैग्नेटिक है, तो ये ना गाड़ी के सीट में नहीं, डोर में चिपक गया था। हाँ। मैं दिल्ली में एयरपोर्ट में जब सामान लोड कर रहा था तो ये गिर गया, और उसके बाद ये डोर में चिपक गया। जब मैं घर पे सामान निकाल, रास्ते में मुझे पता चल गया कि ये गुम हो गया, फिर टेंशन में। कितने साल बाद गुजरी आज आटा? साल को नहीं, कुछ महीना, आई थिंक नवंबर में हमने, लास्ट नवंबर में हमने वो मशीन खरीदी थी, तो ये इसलिए बड़ा अनकम, ऑलमोस्ट 11 मंथ अनकंफर्टेबल इसलिए लग रहा है ना, अबू धाबी में तो इसके पास मशीन थी, आटा डाला पानी डाला और भूल जाओ, यहाँ बेचारी सदमे में है, कितना आटा डालू कितना पानी डालू। किसकी तरह, वो मेरी तरह, ये मेरी तरह, वो राघव हुआ, पहली बार तो लग रहा था ये तो बिल्कुल शेलू है, ये तो कॉपी है। खाना बैठ नहीं पाए। बानु, बानी, उसको उधर रखना, बेटे नीचे गंदे रखना, सब लोग पाव लगा रहे हैं, ये देखो बहनी के साथ, हाँ तुम भी खेलेगा बाबा। और आरव को मिल गया अपनी टीम में नया मेंबर, आपकी टीम का नाम क्या है? अरे यार कुछ तो, टीम धैर्य, टीम धैर्य दद्दा की टीम, और उसमें नया मेंबर है, सबसे नया मेंबर है बानी, ठीक है, धैर्य को बता देना कि एक नया टीम मेंबर आ गया है बानी। बोलो। सो हमारा डिनर भी हो चुका है, अब मैं बानी को पिलाऊंगी, दूध पिलाऊंगी, पिला रही हूँ, मतलब दो बार मैंने इसको गोद में रख के पिला दिया, पर ये नीचे खिसक जा रही है, देखो ऐसे पी लिए दूध, ऐसे कर दिए, सिर्फ आधा दूध ऐसे पिया है, खड़े होके मैंने इसको गोद लगाया। सो आज के ब्लॉग में इतना ही, आपने देखा हमारा फर्स्ट डे इन देहरादून, अभी बस सो जाते हैं हम, खाना भी हमारा हो चुका है, क्योंकि 2 दिन से बच्चे से सोए नहीं, जब से ट्रैवल कर रहे हैं, आज क्या पता अगर बच्चे सोएंगे तो राघव भी अभी थोड़ा अच्छा है, खेल रहा है, क्या हुआ, पर बानी को बुखार आ गया थोड़ा, तो उसको भी दवाई दे दी है, बस रात को परेशान है, फिर अच्छे से सो जाए और सब ठीक हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड बाय।